नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह चावला, आपका अपना टर्बन ट्रैवलर, आज आपके बीच एक बार फिर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं पटियाला टू पेरिस जाने के लिए, और इसमें 40 कंट्रीज होंगे, और हो सकता है कि उससे पहले हम एक ट्रिप और एक शॉर्ट ट्रिप करें साउथ ईस्ट एशिया के 9 कंट्रीज़ के लिए। सारा कुछ डिपेंड करता है कि ये कब बॉर्डर खुलेंगे और कैसे हालात होंगे, पर फॉर श्योर ये दोनों ट्रिप मेरे लिस्ट में हैं और मुझे ये करने हैं। और बहुत सारे लोग जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मुझे जानते हैं, वो बहुत सारे लोग हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस ट्रिप का नाम रखा है जो हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल विद अ टर्बन ट्रैवलर। एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रिप। पर इस ट्रिप से मुतल्लिक मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछना चाहता हूं और एक आइडिया लेना चाहता हूं कि आप इस ट्रिप को किस तरीके से करना पसंद करेंगे, क्योंकि हर ट्रिप को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या आप इस ट्रिप को एक लग्जरी की तरह देखते हैं कि एक लग्जूरियस ट्रिप हो, 5-स्टार होटल में ठहरें और सारा कुछ पहले से अरेंजमेंट किया हो और लेविश ट्रिप हो, उस तरीके से आप देखते हैं, या आप इस ट्रिप को देखते हैं एक एडवेंचर के रूप में कि हम वहाँ कैंपिंग करें, हम अलग अलग जगह पे जाके रहें, टूरिस्ट के जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर ठहरें और एक खुद एक्सप्लोर करें अपने आप जाके इस ट्रिप को, क्योंकि आदमी सीखता तभी है जब वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो दो अलग अलग तरीके हैं इस ट्रिप को करने के, तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप इस ट्रिप को मेरे साथ किस तरीके से करना पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रिप प्लान करेंगे तो हम अपने दिमाग में उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से ही इस ट्रिप को डिज़ाइन करेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए ये जानना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आप सब लोग मुझे अपने कमेंट्स और सजेशंस और जो आपकी सोच है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे डालिए और मुझे ये बताइए कि आप लोग कब जाना, कब तो खैर जब बॉर्डर खोलेंगे तभी जाएंगे, मतलब कौन से ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया वाले पे या जो पेरिस से हम पटियाला डिज़ाइन कर रहे हैं ट्रिप उसके लिए। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये ट्रिप जो है उसमें लीव असाइड द मनी फॉर अ मोमेंट, पैसे तो हर चीज़ में लगते ही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम और कितने लोगों के पास उतना फ्री टाइम है कि वो उस ट्रिप को कर सकें। क्योंकि अगर हम किसी भी एक कंट्री में 4 दिन भी रुकें, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 दिन, तो 4 दिन से 1 हफ्ता तो लगता ही है, तो 4 दिन भी रुकें ट्रैवल टाइम को छोड़ के, तो अगर यहाँ 9 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, तो 9 चौक 36 दिन तो यही हो गए प्लस आपका ट्रैवल टाइम हो गया। इसी तरीके से अगर हम 40 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो 4 चौक 16 160 दिन ये हो गए प्लस ट्रैवल टाइम हो गया। तो क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि मैं तो बंजारों की तरह घूम रहा हूँ, मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है, आने वाले 5 साल आई हैव टू बी ऑन द रोड और मुझे ट्रैवल ही करना है, और ख़ास तौर से स्पेसिफिकली मुझे कैरावन पे ही ट्रैवल करना है जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक इम्पोर्ट करने के लिए। तो आप लोग इस ट्रिप को कैसा करना पसंद करेंगे और कितना टाइम आप लोगों के पास है, तो वो हमें ये चीज़ बताएगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिप डिज़ाइन करेंगे, जैसे अगर हमें पटियाला से पेरिस तक जाना है तो बीच में हम जो लोग कम समय के लिए जाना चाहें, 15 दिन महीना के लिए जाना चाहें, तो उनके लिए एक अलग ट्रिप डिज़ाइन करेंगे, और जो ज़्यादा समय हमारे साथ गुजार सकते हैं तो उनके लिए एक अलग ट्रिप डिज़ाइन करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसकी जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट की भी वर्किंग जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ रहेंगे और किस तरीके से इस ट्रिप को करना चाह रहे हैं। अगर हम पूरे लग्जरी के साथ जाना चाहते हैं तो देन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, और अगर हम इसको एडवेंचर के रूप में ले रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग उसके हिसाब से डिफरेंट होगी, विच वुड बी मच मच चीपर देन अ लग्जूरियस टूर। सो आई होप जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था वो मैं कन्वे कर पाया हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, जब भी मर्जी चाहें यू कैन कॉल मी, माय नंबर इज 9910136699। ये मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 9910136699। सो यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, यू कैन गिव मी अ कॉल ड्यूरिंग द डे।
सो थैंक यू सो वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के जवाब मुझे जल्दी मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।